ओके सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये डस्टबिन जो है ये 12 लीटर्स का है, और इसका जो ब्रांडिंग है ये सामने दिया हुआ है इधर, और ये जो पैकिंग है ये बहुत अच्छा है, एज यू कैन सी दैट। एंड नाउ मैं इसको ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा है अंदर से। तो इसको पहले खोल लेते हैं, तो इसका सील काट लिया मैंने, ठीक है, तो इसको काट लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो डस्टबिन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, तो क्यों डिफरेंट है ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो पहले इसका जो लिड है ऊपर का, ये हटा लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो पैकिंग है ये बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से पैकिंग होके आया है। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इधर अंदर आपको और कुछ एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलता, तो ये सिर्फ ये ही एक डस्टबिन आपको मिलता है अंदर। तो इसका जो टेक्सचर है और कलर है ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। तो ये लाइट वेट भी है बहुत, और इसका अंदर आपको इस तरह का एक बकेट भी मिलेगा, जिससे आप वो जो गार्बेज जो भी होता है उसको आप बाहर निकल के फेंक सकते हैं, तो आपको फिजिकली वो डस्टबिन कैरी नहीं करना पड़ता। तो ये भी बहुत अच्छा एक सिस्टम इन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है। तो इसका जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छा है, और टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पैडल है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का पैडल इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि ये क्यों डिफरेंट है। इसका जो हिंज है ये भी बहुत अच्छा है, तो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है हिंज का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन हो जा रहा है बहुत अच्छे से। इसका जो पैडल जो इन्होंने इधर टेक्नोलॉजी जो यूज़ किया है, इधर आपको बैक साइड पे वो रॉड टाइप का डिज़ाइन नहीं मिलता। इधर क्या होता है कि जब आप इसको पैड से दबाते हैं, तो ये इसका जो अंदर का जो बकेट है ये पुश होता है ऊपर की तरफ, और ये पुश करके उसका जो ऊपर का लिड है ये ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ये रिमूव कर देते हैं इसका अंदर का बकेट, तो ये नहीं ओपन होगा। तो यही एक न्यू टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं कि ऐसा टाइप का आपको डिज़ाइन मिलता है अंदर से। तो अगर मैं पीछे से दिखाऊँ इसको, देख सकते हैं कि इसका जो कटआउट है पैर घुसा कर उसको निकालने का, तो ये भी बहुत अच्छा एक डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये जो पैडल है ये बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, तो ये अंदर की तरफ है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिस्टम आप देख सकते हैं ये क्यों डिफरेंट है। और तो और ये जो इसका जो वेट है ये बहुत ही लाइट वेट है, आप जिधर भी चाहो आप लेके जा सकते हैं। और ये बेसिकली आपको होम यूज़ के लिए और ऑफिस यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो बकेट है ये बहुत अच्छे से अंदर चला गया, और इधर का जो डिज़ाइन है और इसका जो टेक्सचर है और ब्राउन कलर ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये और एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि ये जो पर्टिकुलर जो बास्केट है ये वाटर प्रूफ भी है, तो आप चाहे तो इसको बाथरूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो पानी के छाटों से इसका कोई नुकसान नहीं होगा इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन इन्होंने दिया हुआ है इधर। तो इसका जो लीड है वो भी बहुत अच्छा है, हिंज का जो क्वालिटी है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको टेस्ट करके देखा है। इसका जो हिंज है, हिंज का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और जब भी आप इसको पैर से उसको पैडल को दबाते हैं ये बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता। तो मैं आशा करती हूँ कि आपका ये वीडियो, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये चीज़ परचेस करना है, ये पर्टिकुलर जो डस्टबिन मैंने दिखाया है आपको, अगर आपको परचेस करना है, देन आपको मेरे वो जो परचेज लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उधर से आप इसको खरीद सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।